भगवान राम को 14 साल का ही वनवास क्यों हुआ, 11, 12, 13 साल का क्यों नहीं? राम को 14 वर्ष का वनवास क्यों मिला? केकई केके देश के राजा अश्वपति की पुत्री थी। केकई के दो वर ने ही रामायण की कहानी को महत्वपूर्ण दिशा दी। केकई ने जब राजा दशरथ से राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा तो इसके पीछे तीन मुख्य कारण बताए जाते हैं। पहला कारण, राजकीय नियम। ये एक प्रशासनिक कारण था। रामायण की कहानी त्रेता युग के समय की है। उस समय यह नियम था कि अगर कोई राजा 14 वर्ष के लिए अपना सिंहासन छोड़ देता है तो वह राजा बनने का अधिकार खो देता है। यह नियम वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में लिखित है। केकई यह बात जानती थी, अतः उसने ठीक 14 वर्ष का वनवास ही मांगा। यह अलग बात है कि बाद में भरत ने सिंहासन पर बैठने से मना कर दिया और वनवास समाप्त करने के बाद राम ही सिंहासन पर बैठे। इसी प्रकार द्वापर युग में यह नियम था कि अगर कोई राजा 13 साल के लिए अपना राजकाज छोड़ देता है तो उसका शासन अधिकार खत्म हो जाता है। इसी नियम की वजह से दुर्योधन ने पांडवों के लिए 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास की बात रखी। अब बात करते हैं कलयुग यानी आज के समय की। क्या आप जानते हैं कि अगर आप अपनी किसी प्रॉपर्टी के लिए 12 साल की अवधि तक अधिकार का कोई क्लेम नहीं करते हैं तो वह प्रॉपर्टी आपके अधिकार से चली जाती है। यह बात द लिमिटेशन एक्ट 1963 संवैधानिक संशोधन में कही गई है। इस एक्ट के अनुसार प्राइवेट प्रॉपर्टी पर 12 साल और सरकारी प्रॉपर्टी पर 30 साल की अवधि के अंदर अपने अधिकार का क्लेम करना जरूरी है। इसके सत्यापन की पुष्टि आप किसी भी कानूनी सलाहकार वकील से कर सकते हैं। दूसरा कारण, व्यवहार परिवर्तन। 14 वर्ष वनवास मांगने का कारण उस समय की ये मान्यता थी कि 14 वर्ष तक एक साथ जीवन जीने से आदमी का चरित्र और स्वभाव परिवर्तित हो जाता है। वाल्मीकि रामायण का एक श्लोक है, नवपंच चैवर्षाणि दंडकारणे माश्रितः चिराजीन जटाधारी रामो भवतु तापसः। इसका अर्थ है, दंडक वन में 14 वर्ष तक पेड़ की छाल, जानवरों की खाल पहनने और बालों को जटाजूट बनाकर जीवन जीते हुए राम अपना पूरा जीवन तपस्वियों जैसा ही जीने लगेगा। केकई और मंथरा ने यही सोच विचार कर राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा, क्योंकि इससे भरत का सिंहासन सदा के लिए सुरक्षित हो जाएगा। तीसरा कारण, राजा दशरथ से बदला। राम को अयोध्या का राजा बनाने का निर्णय राजा दशरथ और मुनि वशिष्ठ ने विचार विमर्श से लिया था। ऐसा कहा जाता है कि यह बात केकई को 14 दिन बाद पता चली। केकई दशरथ की प्रिय पत्नी थी, लेकिन उन्हें ये बात मंथरा से मालूम चली। इसी बात का बदला लेने के लिए केकई ने उन 14 दिन को हर दिन 1 वर्ष मानकर 14 साल का वनवास राम के लिए मांगा। जय श्री राम। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपके अपने चैनल हिंदी स्टोरी किंगडम्स को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई नई कहानियाँ आप तक पहुँच सकें। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।